हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संकेत, आप देख रहे हो मूवीज इन, और आज हम बात करने वाले हैं हिट मंकी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इसका फाइनली हमारे सामने एपिसोड आने वाला है जो कि हुलू पे हम 17 नवंबर को देखेंगे। मोडॉक शो के बाद एक अमेजिंग शो फिर से लेके आया है हुलू हमारे लिए, जो कि मार्वल की तरफ से एक वायलेंट कैरेक्टर बताया गया है जो कि एक असासिन है और बंदर भी है। तो इसका अगर ट्रेलर ब्रेकडाउन देखना है तो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जाके देख लेना, मेरे दूसरे चैनल पे अवेलेबल है जिसका नाम है मूवीज इन ट्रेलर्स, तो वहाँ पे आप ट्रेलर ब्रेकडाउन देख लो। और यहाँ पे आज हम बात करते हैं हिट मंकी के बारे में, तो चलिए आइए मिलके करते हैं हिट मंकी की ओरिजिन कवर। तो लेट्स बिगिन। हिट मंकी का फर्स्ट अपीयरेंस हमें हिट मंकी इशू 1 में देखने को मिलता है, जो कि फरवरी 2010 से हमें देखने को मिलता है, जो कि है एक जैपनीज मैकेक। इसको ये नाम हिटमैन से ही मिला है, जो कि असासिन का काम करता है, लोगों को मारता है, तो इसका नाम सीधा मंकी से उठा के हिट मंकी कर दिया गया है। 2 फुट 5 इंच इसकी हाइट है, जहाँ पर इसके पूरे बॉडी पे ग्रे कलर के बाल हमें साफ साफ देखने को मिल जाते हैं। इसके पास कुछ एबिलिटी और कुछ सुपर ह्यूमन स्पीड वगैरह और स्ट्रेंथ वगैरह तो कुछ है नहीं, बट जितनी भी इसके पास चीज़ें हैं वो नॉर्मली जो मंकी के पास होती है वही है। बट इसके पास फाइटिंग स्किल बहुत अच्छी है, एनर्जी प्रोसेक्शन ठीक ठाक है, ड्यूरेबिलिटी इसकी अच्छी है, स्पीड बंदर के हिसाब से तेज़ भागेगा तो उस हिसाब से भी है, स्ट्रेंथ बंदर की जितनी है उतनी है, और इंटेलिजेंट माइंड इसका थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। और इसकी जो बची खुची जो पावर्स है ना, वो इसके म्यूटेंट कंडीशन की वजह से भी हो सकती है, जहाँ पर फाइटिंग और वेपन स्किल इसके पास बहुत ही अच्छे तरह से है, इस वजह से ही इसको हिट मंकी बुलाया भी जाता है। पहले ये रहता था जैपनीज के माउंटेंस में, जहाँ पर ये गुरोई था पूरा इनका मंकी का, वहाँ पे ही ये रहता था। एक दिन ह्यूमन असासिन की वजह से उसके ग्रुप का एक मेंबर घायल हो जाता है, और वो असासिन भी वहाँ पर घायल पड़ा हुआ है। कुछ दिनों के बाद उसकी तबीयत ठीक हो जाती है, फिर वो जैसे फाइट्स कर रहा है वैसे ही हमारा जो ये हिट मंकी है वैसे करने की कोशिश कर रहा है। वो एक स्नो का पुतला बनाता है जिससे वो फाइट्स करने लगता है, और उसकी ही तरह से टेक्निक को वो सीधा का सीधा कॉपी करने लग जाता है। धीरे धीरे करके इसके ग्रुप की तरफ असासिन्स बढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें असासिन्स के साथ हाथापाई मुठभेड़ होती रहती है। इस वजह से ये फेडअप हो चुका है कि भाई आए दिन कोई आता है हमारे ग्रुप के मेंबर्स को मारेगा या फिर कुछ ना कुछ आड़ी टेढ़ी चीज़ें करेगा, जिससे फेडअप होके वो बन जाता है वायलेंट, और वायलेंट बनने के बाद वो ग्रुप छोड़ देता है। वो ग्रुप से बाहर निकलता ही है तब वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं उस असासिन को ढूंढने के लिए और उसको मारने के लिए। तो इसे ये बात पता चल जाती है और उसको ये भी पता चल जाता है कि भाई उस असासिन को तो मारेंगे, साथ ही साथ इसके जो ग्रुप के मेंबर्स हैं यानी अदर मंकीज जो है उनका भी ये लोग खात्मा करेंगे। तो ये वैसे ही हमला करते हैं, तभी अपना हिट मंकी उठता है, उनकी गन्स लेता है और उन सारे लोगों को वहाँ पर मार देता है। और फिर ये जाके मिलता है उनके डॉन से, जहाँ पर उनका डॉन इसको इंट्रोड्यूस करा देता है सारे लोगों से और इसको असासिन के तौर पर यूज़ करने लग जाता है, जहाँ पर उसे एक कोट पहनाया जाता है, ब्लेजर जैसा कोट रहता है, ऊपर से उसके पास एक बैग भी दी जाती है जिसके अंदर बहुत सारे वेपन्स होते हैं जिसका इस्तेमाल करना इसे बखूबी से आता है। और ऐसे ही वो आए दिन अपने बॉस की मदद से हर एक लोगों को असासिनेट करते रहता है, जिसको भी वो चाहेगा उसको वो मार देगा, सीधा जाएगा ठोक देगा। इसी तरह से इसको एक बात पता चल जाती है कि भाई इसको मारने का काम दिया है डेडपुल और स्पाइडरमैन को, जहाँ पर ये दोनों जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए डेडपुल और स्पाइडरमैन। तभी हमारे हिट मंकी के साथ उसकी मुठभेड़ हम साफ साफ देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग थी दोस्तों, जहाँ पर डेडपुल और हिटमैन की जो जंग थी वो देखने लायक थी। और ऐसे ही एक दिन उसको प्रेसिडेंट को मारने का काम दिया जाता है, पर एक गलती के वजह से वो गोली जो है वो प्रेसिडेंट को ना लग के उसके असिस्टेंट को लग जाती है, जहाँ पर ये पूरी स्टोरी सैड में कन्वर्ट हो जाती है, जहाँ पर हिट मंकी अभी बहुत ही ज़्यादा सैड हमें देखने को मिल जाता है। और इसी के वजह से वो धीरे धीरे विलन से सुपर हीरो में कन्वर्ट होने लग जाता है, जहाँ पर ये अच्छा हीरो अभी बनना चाह रहा है तो ये शील्ड भी ज्वाइन कर देता है, डेडपूल के साथ भी ये बहुत सारी जंगें लड़ जाता है और स्पाइडरमैन के साथ भी ये हमें देखने को मिलता है। दोस्तों यही है हमारे हिट मंकी की ओरिजिन। आपको अगर कुछ और जानकारी है तो नीचे कमेंट कर सकते हो, कुछ और ऐड करना है तो वो भी नीचे कमेंट कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो अपने मार्वल सुपर हीरो फैंस के साथ, क्योंकि ये हिट मंकी कौन है क्या है ये बहुत कम ही लोगों को पता है, इस वजह से शेयर कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो मूवीज इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज इन।